क्या हमारे बच्चों को रक्षाबंधन त्योहार का महत्व पता है? मेरा नाम पारुल शाह है। मैं साइकोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, वर्कशीट डिजाइनर और फोनिक्स एक्सपर्ट हूँ। जब हम कोई भी त्योहार मनाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जाने कि हम वो त्योहार क्यों मना रहे हैं। बच्चों के भी मन में हर त्योहार को लेके कई सवाल उठते हैं। ये क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है? तो आइए ये सारे सवालों के जवाब हम हमारे बच्चों को देते हैं। मैं ये वीडियो शुरू करूं इसके पहले मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। रक्षाबंधन, यह श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह भाई और बहन का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाई के घर आती है उसे राखी बांधने। बहनें राखी की थाली सजाती है, कुमकुम, अक्षत, मिठाई, दीपक और राखी रखकर। सबसे पहले भाई को बिठाकर उसे तिलक लगाया जाता है कुमकुम का, और फिर उस पर अक्षत जो कि चावल होते हैं, कोरे चावल, वह तिलक पर लगाया जाता है। भाई को मिठाई खिलाते हैं और फिर बहन भाई की दीपक से आरती उतारती है और फिर बहन भाई के दाहिनी कलाई पर राखी बांधती है। इसके बाद बहन बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि अब उसे तोहफा मिलने वाला है। भाई अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपनी बहन को तोहफा देता है और तोहफे के साथ साथ यह वादा करता है कि वह उसकी हमेशा रक्षा करेगा। अब ये जो वादा है, ये जो प्रथा है हमारी राखी की, ये बहुत ही पौराणिक समय से चली आ रही है। महाभारत में 5 पांडव थे। उनकी पत्नी का नाम था द्रौपदी, या उन्हें पांचाली भी कहा जाता है। एक बार श्री कृष्ण के हाथ से खून बह रहा था, तो जब द्रौपदी ने ये देखा तो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उन्हें बांध दिया ताकि उनका रक्त बहना बंद हो जाए। श्री कृष्ण बहुत भावुक हो गए। उन्होंने वादा दिया द्रौपदी को कि वह उनकी हमेशा रक्षा करेंगे और उन्होंने यह किया भी। वस्त्र हरण के समय श्री कृष्ण ने उनकी साड़ी कभी खत्म ना हो ऐसा कर दिया और इस तरह उनके सम्मान की, उनके लज्जा की रक्षा की। हमें हमारे बच्चों को भी यही शिक्षा देनी चाहिए कि रक्षाबंधन वादा है ये कि भाई और बहन दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे, हमेशा साथ रहेंगे दुख में और सुख में। इस त्योहार को और रोचक बनाने के लिए आप राखियां घर पे ही बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से काफी वैरायटी की राखियां हम घर पे बना सकते हैं। जैसे कि आप बहनों के भाइयों के जो फर्स्ट लेटर का इनिशियल है वो एक पेपर पे किसी भी तरह से लिख सकते हैं, या ग्लिटर से, या और किसी तरह से उन्हें कहिए कि अल्फाबेट लिखे या पूरा नाम लिखे और फिर वो सर्कल एक धागे पर लगा के आप राखियां बना सकते हैं। या बहुत सारे छोटे छोटे डेकोरेटिव्स भी मार्केट में मिलते हैं, उन्हें भी लाके चिपका के आप राखियां बना सकते हैं। तो जब बहनें अपनी बनाई हुई राखियां भाइयों को बांधेगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और आप इस साल राखी कैसे मना रहे हैं यह भी जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। अगर आप घर पे राखियां बना रहे हैं तो उनके फोटोज भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल, यूट्यूब एंड लिंक्डइन। थैंक यू।